For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, my name is Kunal Kumar Singh and I am Vishal Aditya Singh's little brother. And you are watching Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahata and welcome to Movies Adda. In the house, Vishal is making a bawal and what is the problem with that? That's why I am with Kunal. So hello Kunal, welcome to Movies Adda. क्या कहना चाहेंगे घर के अंदर विशाल ने बवाल मचा दिया है। सबसे पहले तो मैं रिसेंट की बात करूंगी जिसके लिए कैप्टन जी लास्ट में पूरा पासा ही पलट दिया उन्होंने, लेकिन वो अलग बात है बिग बॉस में थोड़े से पटका लगा था। तो उस पर आपका क्या कहना है? जो संचालक वाला टास्क था या वो कैप्टन संचालक बने उनको पटकार लगा दी गई है। अगर लगता है बिग बॉस को कि वो अनफेयर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अनफेयर हैं वो, क्योंकि वो अभी जितना क्लिप मैंने देखा है उसमें वो दिखा नहीं है, तो आज मैं नहीं कुछ बोल सकता उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक अनफेयर की बात है, अदर संचालक भी थे, पारस थे, सिद्धार्थ थे, फॉल होते तो उनको भी आप अपनी मर्जी चाहिए, हाँ आप उनको भी पनिशमेंट दे सकते थे, जो भी सजा देना था यार, आप एक सजा भी दे दो, इतना बड़ा सजा दे दो कि आप लीग से और कुछ पार कर दें। तो पायस ऑफिस पायस अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ जिस तरीके से निशान ने अपने एंट्री मारी थी ना, सभी ने कहा था कि ये बंदा आग लगा देगा लिटरली, और स्टार्टिंग के दो तीन हफ्ते तक ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे मधुरे में एंटर हुई घर में कहीं ना कहीं विशाल थोड़ा सा गेम से हटकर वो इमोशनल जोन में घुस गया, तो लगता है सब क्या कहना चाहूँगा? अब ऐसा दिखा है थोड़ा, बट रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मधुरिमा जब आई थी तो उनको कोई जानता नहीं था और सबको मालूम चल गया कि विशाल की वीकनेस एक है, तो सबने उस पर अटैक किया, तो मधुरिमा का स्टैंड लेने के लिए भैया वीक हो, समझ रहे हो बात? तो क्योंकि 5-10-15 लोग थे उस टाइम पे, आई थिंक जो सर बोल रहे थे और एक भैया थे जो बोल रहे थे मधुरिमा के बिहार में, तो ऑब्वियसली बात है 14-15 लोग जब बोलेंगे एक बंदा वीक लगेगा, वीक है नहीं बस। क्योंकि आरती को इसलिए कंफ्यूज का टैग दिया गया क्योंकि वो बोलती है मैं इंडिपेंडेंट खेलती हूँ, बट ऐसा है नहीं, वो सिद्धार्थ और सना के बीच में खेलते हैं, तो कंफ्यूजन को इसलिए बोला उनके रिलेशनशिप पे खेलते हैं, कंफ्यूज का इसलिए दिया जाता है क्योंकि और भी है लपड़े उनके, वो बोलते हैं मुझे ऐसा बोलते हैं क्योंकि आप बीच में आते हो तो आपको लोग बोलेंगे। भैया को मैं इसलिए बोलूँगा कंफ्यूज नहीं है क्योंकि वो जब आए थे तब भी उन्होंने ये चीज मतलब ऐसे क्लियरली था कि वो इंडिपेंडेंट ही खेलेंगे। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो सिद्धार्थ का जो फर्स्ट आया भैया के पास और उन्होंने बोला रश्मि को ये, आप देखो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटेंट कैसे नहीं, जब उन्होंने डायरेक्ट बोला उनको सिद्धार्थ को कि मैं आपको की करूँगा, तो कॉम्पिटिशन वहाँ से है। और गेम सिद्धार्थ का ये है वो जैसे बोलते हैं मैं अलोन हूँ, टीम में से 6 लोग हैं अलोन हैं, ओके तो आप ऐसे लोग 5 लोग बोलो तो वीक है, वीक है, तो ऑडियंस को वही सुनाई देगा कि वीक है, बट एक्शन देखो आपने। अच्छा घर में यू नो पहले इतनी दोस्ती नहीं थी आसिम और विशाल की, लेकिन अब एक अलग सी बॉन्डिंग नजर आती है, जब भी आसिम अग्रेसिव हो जाते हैं हाल ही में हमने देखा तो विशाल उन्हें शांत कराते हुए नजर आते हैं, तो इस उभरती हुई दोस्ती के बारे में एक नया ट्रायो बन के आ रहा है रश्मि विशाल और आसिम, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे अच्छा लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते अच्छा है, घर का अंदर का एक रीजन उनका नहीं मालूम कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा लगा है, अच्छा लगा जी। अच्छा अगर शहनाज और सिद्धार्थ की बात करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है सिद्धनाज का हमेशा से और लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो सिद्धनाज पर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे नहीं पसंद, मतलब मैं मतलब मेरी मेंटेलिटी यही रही है मैच मतलब उनकी जो एक्ट होते हैं उनका जो आर्टिस्ट है तो मुझे नहीं है, उन्होंने वो क्लियर कहा भी है और वो एक दोस्त एक दोनों जो है ना वो अलग ही है जो, तो मुझे एक्चुअली कमेंट ही नहीं करना उनका कुछ, अगर पर्सनल व्यूअर है या मुझे पता नहीं है ऐसे व्यूअर से वो गलत है बट स्ट्रॉन्ग है, वो अगर सबकी अभी भी एक्साइट हो जाए तो खेल सकता है, मेरी भी खेल सकते हैं, बट टीम के साथ है वो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा एक
देखें तो विशाल मेरे घर में काम करते हुए बहुत नजर आता है। ये तो मैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगी, विशाल बहुत बर्तन होते हैं, वो जब भी बर्तन धोते हैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है। वो रियल लाइफ में भी इतना काम करते हैं, बिग बॉस ने उन्हें सिखा दिया। नहीं नहीं हाँ, जब वो पहले रहते हैं मेरे पास वगैरह, मतलब वो स्ट्रगल है तो उस टाइम पे करा करते थे वो, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अरे बर्तन धोना आटा धोना तो ये सारा करते हैं। अभी काफी टाइम तो नहीं गए, मतलब मैं भी खुश हूँ, मैं भी मुझे भी अच्छा लगा कि चलो भैया कुछ तो काम कर। अच्छा, अगर मैं घर वालों की बात करना चाहूँ तो जिस तरीके से सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई एकदम अव्वल दर्जे की रहती है, बिल्कुल हाई नॉच पे दोनों लड़ते हैं, और अब तो फैमिलीज तक भी बात आ गई है, इतना ज्यादा धक्का मुक्की और दूसरे की फैमिलीज तक बोल रही है, तो उनकी लड़ाई पर आपका कोई टेक है? नहीं देखता मैं, बंद कर देता हूँ। बोला पहले भी स्टार्ट हमेशा सिद्धार्थ करते हैं, लेकिन उस चीज को आप खत्म कर सकते हो जिस तरह से आसिम उस चीज को खींचते हैं ना, वो गलत हो जाता है। और फिर वो खींचते क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ये है, वो मतलब नजरों से भी खेल जाते हैं उस टाइम पे, मतलब वो होता है स्टेयर करना, वो टॉन्ट देना, तो है दोनों का अपना अपना वो ईगो है, तो वो ऐसा हो जाता है, बट अच्छा नहीं लगता वो खेलना पड़ता। अच्छा, विशाल के अलावा विनर क्वालिटीज आपको क्या लगता है? उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती। आप देखो मतलब एक फैमिली है, उसमें आप एक फैमिली मेंबर को ही तो अगर फैमिली वाला कुछ अगर क्वालिटी चाहिए तो ये भैया के साथ मुझे लगता है रश्मि का पेशेंस, चीज करे काम करना, बात करने का तरीका, अपने चीज अपनी ड्यूटी कर जाना, किसी से फालतू का नहीं लड़ना, माहिरा उनको खींच रखा है उनकी रोटी के ऊपर, क्योंकि माहिरा का एक ही गेम है, वो है वो सिंथेटिक गेम देख लेती है, खान के साथ खेल लेती है, उसके साथ सबका लगा होता है इमोशन, वो अलग ही खाने के साथ तो वो सी गलत करती है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, घर में आरती को लेकर भी काफी कहा जाता है कि अब्दुल्ला है वो बेगानी शादी में, यू नो अब्दुल्ला दीवाना वैसा सीन है उनका, वो काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है ऐसा मैंने पहले बोला वो है वैसे, इसीलिए उनको सुनना पड़ता है जी, यही रीजन है कि उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं मतलब है, अगर आप कोई नहीं भी चाहता कि आप आओ उनके पास तो जाती हैं, क्योंकि वो दिखाना है कि मैं सपोर्ट करती हूँ आपको, मतलब कि मैं हूँ आपके साथ, वो लेती हैं वो ऑडियंस का उससे संगति वो गेन करती है उस चीज़ से। अच्छा, जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे और विशाल के लिए वोट अपील भी करती है? फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव फॉर योर सपोर्ट, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड Thank you so much. Thank you so much.